बेस्ट सॉल्यूशंस चैनल में आपका स्वागत है। लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए रेड कलर सब्सक्राइब बटन पर अभी क्लिक करें। कोई भी प्रॉब्लम होने पर हम दवाई लेते हैं, लेकिन दवाई लेने से हमारी प्रॉब्लम ठीक हो जाती है, लेकिन कुछ समय बाद वो प्रॉब्लम बड़ी बनकर हमारे सामने आती है। जैसे कि चेहरे के पिंपल्स, अगर आपके चेहरे पर पिंपल्स हैं तो आप डॉक्टर से दवाई लेंगे, कुछ समय के लिए आपके पिंपल्स ठीक हो जाएंगे, लेकिन कुछ समय बाद वो पिंपल्स बड़े बनकर आपके चेहरे से बाहर निकलते हैं। ऐसा ही दिल की बीमारियों के साथ भी होता है। अगर आपके हार्ट में ब्लॉकेज है तो डॉक्टर आपके आर्टरीज में स्टंट डालेगा, और वो स्टंट डालने से एक बार तो आपकी ब्लॉकेज ठीक हो जाएगी, लेकिन कुछ सालों बाद फिर से आपको स्टंट डलवाना पड़ेगा। अब आपकी प्रॉब्लम टेम्परेरी बेसिस पर सॉल्व होती है, परमानेंट नहीं। इसके पीछे का कारण हम लोग समझ ही नहीं पाते। दरअसल दोस्तों, बीमारियों के पीछे का कारण कुछ और होता है और इलाज हम किसी और ढंग से करते रहते हैं। जैसे कि चेहरे के पिंपल्स, अब आपके चेहरे पर अगर पिंपल्स निकलते हैं तो इसका कारण हो सकता है कि आपके पेट में गड़बड़ी हो। आप चेहरे पर किसी तरह की क्रीम्स लगा रहे होंगे, किस तरह की दवाई खा रहे होंगे, लेकिन पीछे का कारण आपके पेट की गड़बड़ी हो सकता है। जैसे कि अब हार्ट अटैक की बात करें तो अगर आपके हार्ट में ब्लॉकेज है तो इसके पीछे का कारण आपके खून का गंदा होना है। अब खून के गंदा होने का या गाढ़ा होने के पीछे का कारण आपका पेट है, लेकिन डॉक्टर इलाज किस चीज का करता है? आपकी आर्टरीज की ब्लॉकेज का। आप इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए किसी को डायबिटीज है और वो डायबिटीज के लिए दवाई खा रहा है। उस इंसान को लग रहा होगा कि उसकी डायबिटीज ठीक हो रही है, लेकिन बैक एंड पर उसकी किडनी और उसका लीवर फेलियर हो सकता है, यानी कि उसकी किडनी और उसका लीवर फेल हो सकता है। इसके अलावा अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो आप दवाई खा रहे होंगे, लेकिन आपकी हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम तो आज की दवाइयां ठीक कर देंगी, लेकिन फ्यूचर में आपको ब्रेन स्ट्रोक या हार्ट अटैक की समस्या आ सकती है। अगर आपको सिर दर्द है, उसके लिए अगर आप पेन किलर्स ले रहे हैं तो एक बार तो आपका सिर दर्द ठीक हो जाएगा, लेकिन फ्यूचर में आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम आ सकती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम लोग बीमारियों का इलाज जड़ से नहीं करते। दोस्तों, बीमारियों का इलाज अगर जड़ से किया जाए तो बीमारी दोबारा आती ही नहीं है। और क्या आपको पता है कि हमारी ज्यादातर बीमारियों के पीछे का जो कारण है वो क्या होता है? हमारा पेट। आयुर्वेद कहता है हमारा पेट सब बीमारियों की जननी है। सारी बीमारियां हमारे पेट से ही पैदा होती हैं। हमारे पेट में क्या है? हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। अब मान लीजिए अगर आपका डाइजेशन खराब है तो आपको 100 से ज्यादा बीमारियां होती हैं। लेकिन हम लोग इनडाइजेशन को या कॉन्स्टिपेशन को सिर्फ एक बीमारी समझते हैं। वो एक बीमारी नहीं है, वो सिर्फ बीमारियों की जड़ है। इससे सारी बीमारियां निकलेंगी। ठीक उसी तरह से जिस तरह से एक पौधे की जड़ होती है और उस जड़ से ही पूरा पौधा या पूरा पेड़ बनता है, इसी तरह से ही कॉन्स्टिपेशन एक बीमारियों की जड़ है। इसके आगे आपको ढेरों बीमारियां इसी कारण से होती हैं। अब मान लीजिए आपको कॉन्स्टिपेशन है तो जो भी आप खाना खाते हैं वो 2-3 दिन तक आपके पेट में बड़ा सड़ता रहेगा। अब 2-3 दिन कॉन्स्टिपेशन के कारण यानी कब्ज के कारण जो आपके पेट में खाना सड़ेगा, वो सड़ा हुआ खाना आपके पेट में गैस पैदा करेगा। ये गैस जब आपकी बॉडी में सर्कुलेट होगी तो इससे आपकी बॉडी में दर्द पैदा होगा, क्योंकि बॉडी में गैस बढ़ने से वात दोष इम्बैलेंस हो जाता है, और ये वात दोष इम्बैलेंस होने से आपको मोटापा, गठिया जैसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। इसके अलावा जब हमारे पेट में पड़ा हुआ खाना सड़ता रहेगा तो ये सड़ा हुआ खाना हमारे खून में मिलेगा। ये गंदा खाना जब खून में मिलेगा तो खून में गंदगी पैदा होगी। हमारा खून गंदा होने से गाढ़ा हो जाता है। खून गाढ़ा होने से आपको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। खून गाढ़ा होने से इस गंदे खून को साफ करने के लिए किडनी को ज्यादा काम करना पड़ेगा, तो किडनी में स्टोन्स हो सकते हैं। जब इसी गाढ़े खून को आपका दिल पंप करने के लिए ज्यादा जोर लगाएगा तो आपको हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। यही गंदा खून जब आपकी आर्टरीज में जम जाएगा तो आपको हार्ट ब्लॉकेज हो सकती है। यही गंदा खून जब आपके जोड़ों में जमेगा तो आपके जोड़ों में दर्द पैदा होगा और धीरे धीरे आपको आर्थराइटिस की बीमारी हो जाएगी। तो इसी तरह से दोस्तों, कॉन्स्टिपेशन के कारण अनेकों बीमारियां होती हैं, लेकिन हम लोग इलाज किस चीज का करते हैं? पिंपल्स का। लेकिन हम लोग कभी भी कॉन्स्टिपेशन का इलाज नहीं करते। तो चलिए दोस्तों, आज कॉन्स्टिपेशन का सबसे बढ़िया इलाज समझते हैं, बढ़िया और आसान इलाज जिससे आपकी कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज की प्रॉब्लम दूर होगी और उससे आपकी सारी बीमारियां ऑटोमेटिकली खत्म होने लग जाएंगी। दोस्तों, इसके लिए आपको जिस चीज का इस्तेमाल करना है वो आपके घर की किचन में अवेलेबल है। वो ऐसी चीज है जिसे धर्मों में पूजा में इस्तेमाल किया जाता है। वो ऐसी चीज है जिसे प्रसाद के रूप में भी आपको दिया जाता है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ इलायची की। इलायची को हम अलग अलग तरह की रेसिपीज में इस्तेमाल करते हैं ताकि खाने पीने का टेस्ट बढ़ाया जा सके। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि यही इलायची हमारे पेट के लिए बहुत अच्छी होती है? हमारी कॉन्स्टिपेशन को दूर करती है, वात और पित्त को बैलेंस करती है। इसके लिए दोस्तों, रात को सोने से पहले आपको 2 इलायची चबाकर खानी है और ऊपर से 1 गिलास गुनगुने पानी का पीना है।
रात को सोने से तकरीबन आधा घंटा पहले अगर आप दो इलायची हर रोज खाकर ऊपर से गुनगुना पानी पीते हैं तो एक महीने के अंदर अंदर आपकी सारी बीमारियां खत्म होने लगेंगी। आप देखेंगे आपकी पूरी बॉडी स्वस्थ होने लगेगी, क्योंकि जब भी आप रात को इलायची खाएंगे तो इससे आपका पेट साफ होगा, आपकी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम दूर होगी और देखते ही देखते कॉन्स्टिपेशन दूर होने से आपका पूरा शरीर स्वस्थ होने लगेगा। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि अगर आप इलायची का सेवन हमारे बताए हुए तरीके से लगातार एक महीना भी कर लेते हैं तो ऐसी कौन कौन सी बीमारियां हैं जिसे आप जड़ से खत्म कर सकते हैं। सबसे पहला, जैसे हमने आपको बताया, कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज की प्रॉब्लम आपकी जड़ से खत्म हो जाएगी। कुछ लोगों को कई साल से कब्ज रहती है। दोस्तों कब्ज एक या दो दिन भी रहे तो भी ये बॉडी के लिए बहुत बुरी है, लेकिन बहुत से लोग जिनको कुछ सालों से कब्ज है उनकी बॉडी में तकरीबन 100 से ज्यादा बीमारियां पैदा हो सकती हैं। तो प्लीज आप इस चीज को समझें और कॉन्स्टिपेशन का इलाज आज से ही शुरू करें। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके बाल झड़ते हैं तो इलायची बहुत आपके लिए फायदेमंद है। बालों को झड़ने से रोकने के लिए सिर्फ एक महीना आपको लगातार इलायची का सेवन रात को सोने से पहले करना है। आपके झड़ते हुए बाल झड़ना बंद हो जाएंगे और आपके बाल लंबे, घने और मजबूत भी हो जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको स्ट्रेस रहता है, नींद अच्छे से नहीं आती, तो आपके लिए इलायची बहुत अच्छी है। रात को सोने से पहले अगर आप इलायची खाते हैं तो इससे आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा, आपको नींद बहुत ही अच्छी आएगी और अगले दिन आपको पूरी एक्टिवनेस महसूस होगी। इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए ये इलायची बहुत अच्छी है। रात को सोने से पहले अगर आप इलायची खाते हैं तो इसके अंदर का पोटेशियम हमारे ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है और हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम से आराम दिलाता है। क्योंकि अगर आप इलायची खाते हैं तो इससे आपका पेट साफ होगा और पेट साफ होने से हमारा खून पतला हो जाएगा। खून पतला होने से हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम दूर होती है। लेकिन हम लोग खून को पतला करने के लिए आजकल जो हाई बीपी की दवाई खाते हैं वो सिर्फ एक टेम्परेरी सोल्यूशन है। इसीलिए आपने देखा होगा कुछ लोग पिछले 10-20 साल से भी दवाई खा रहे होंगे फिर भी उनका हाई ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं हुआ। दोस्तों हाई बीपी को नॉर्मल करने के लिए एक और बहुत बढ़िया चीज है और वो है सुबह उठते ही भर पेट पानी पीना। सुबह उठते ही आप जितना पानी पी सकते हैं पूरा भर पेट पानी पीजिए, एक से दो महीने के अंदर अंदर आपकी हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। फिर चाहे आपको पिछले 10 या 20 साल से हाई बीपी है, आप देखिए आपके एक से दो महीने में सिर्फ पानी हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम को ठीक कर सकता है। इसके अलावा दोस्तों भूख को बढ़ाने के लिए भी इलायची बहुत फायदेमंद है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको भूख ही नहीं लगती। दोस्तों इलायची में फाइबर बहुत होता है और यह हमारे पेट को स्वस्थ रखता है। अगर आप रात को सोने से पहले इलायची खाते हैं तो एक से दो बार में ही आपको भूख ना लगने की प्रॉब्लम में आराम दिखने लगेगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके मुंह से बदबू आती है तो आपके लिए इलायची बहुत ही अच्छी है, क्योंकि इलायची एक नेचुरल माउथ फ्रेशनर का काम करती है और यह मुंह की बदबू को और सांसों की बदबू को ठीक करती है। इसके अलावा दोस्तों इलायची हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती है। हर इंसान की बॉडी में एक डॉक्टर है जिसे कुदरत ने, भगवान ने बिठाया है। वो डॉक्टर हमारी बॉडी की सारी बीमारियों को ठीक कर सकता है, फिर चाहे वो कैंसर हो या फिर हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो। लेकिन हम लोग अपने शरीर के उस डॉक्टर को हमेशा कमजोर करते हैं गलत खान पान से। लेकिन दोस्तों अगर आप इलायची का सेवन हर रोज करते हैं तो इससे आपके शरीर के अंदर के उस डॉक्टर को, इम्यूनिटी को ताकत मिलेगी, जिससे आपका शरीर बीमारियों से लड़ने के लिए ताकतवर बन जाएगा। आजकल के इस वायरस से अगर आप बचना चाहते हैं तो भी आपको बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाना जरूरी है, क्योंकि आपने देखा होगा कि आजकल का जो वायरस है ये उन लोगों पर सबसे ज्यादा इफेक्ट कर रहा है जिनकी इम्यूनिटी कम है। ऐसे लोग जिनकी उम्र ज्यादा है उन पर सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है, क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ हमारी इम्यूनिटी कमजोर होती रहती है। इसी कारण से दोस्तों आपको अपनी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ानी चाहिए ताकि आजकल के इस वायरस से हम बचे रह सकें। इसके लिए इलायची बहुत ही अच्छी है। रात को सोने से पहले सिर्फ दो इलायची खाकर ऊपर से एक गिलास गुनगुने पानी का पीजिए। दोस्तों बहुत ही आसान तरीका है, इससे आप अपनी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। बहुत से लोग सिर्फ ये कंप्लेंट करते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, तो दोस्तों इलायची खाने में आपका बहुत समय नहीं लगेगा। कुछ ही मिनटों के अंदर आप इलायची खाकर गुनगुना पानी पीकर अपनी बॉडी को स्वस्थ रख सकते हैं। अगर हम पूरे दिन में 10 से 12 घंटे मेहनत करते हैं पैसा कमाने के लिए, तो 10 से 12 मिनट सिर्फ अगर आप अपनी बॉडी के लिए निकालते हैं तो आप हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं। क्योंकि अगर ये बॉडी स्वस्थ है तभी आप काम कर पाएंगे, तभी आप अपने परिवार के साथ एंजॉयमेंट कर पाएंगे। आई होप फ्रेंड्स आप समझ रहे होंगे कि किस तरह से हम सिर्फ छोटे मोटे खान पान के चेंज के जरिए ही अपनी जिंदगी में बहुत स्वस्थ रह सकते हैं। आज की वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। आज हमने जाना कि किस तरह से हम बीमारियों को बड़ा बना देते हैं, किस तरह से सिर्फ एक इलायची हमारी बॉडी को हमेशा स्वस्थ रख सकती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करना कभी ना भूलें, क्योंकि आपके शेयर से किसी दूसरे व्यक्ति को मदद मिल सकती है। वीडियो को शेयर करना हमेशा फ्री होता है, वीडियो के नीचे एक शेयर का बटन है उसे दबा दें और इस वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक, जहां भी शेयर कर सकते हैं प्लीज शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ना बिल्कुल फ्री है, वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब का बटन है उसके ऊपर क्लिक करें और हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। ऐसे ही वीडियोस के साथ फ्रेंड्स दोबारा मिलेंगे, धन्यवाद।